हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक और लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आईआर की लेक्चर सीरीज में आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ एंड रिफॉर्म्स इन आईएमएफ। इसमें हम आईएमएफ की एक इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन देखेंगे और आईएमएफ की ओरिजिन देखेंगे कि हाउ इट इज़ स्टार्टेड, हाउ इट इज़ ओरिजिनेटेड, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, कौन से प्रिंसिपल्स पे ये काम करती है, अचीवमेंट्स कौन सी है अप टू नाउ, ऐसे कौन से हॉलमार्क से जहाँ पे उन्होंने अचीव किया हुआ है, चैलेंजेस कौन कौन से चैलेंजेस या क्रिटिसिज्म उन पे है वो देखेंगे, एंड रिफॉर्म्स के आईएमएफ में इन करंट सिनारियो, लुकिंग एट दी स्टेटस क्वो और करंट सिचुएशन, कौन कौन से रिफॉर्म्स होने चाहिए उन पे हम काम करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन अवर लेक्चर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Defining IMF. The International Monetary Fund IMF is an international financial institution that aims to promote global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. It provides financial assistance, policy advice and technical assistance to its member countries. Iska jo maqsad hai is financial institution ka, wo ye hai ki jo ki global monetary cooperation hai usko wo रख सके, सस्टेन कर सके, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंट्रीज़ की उसको सिक्योर करे और फैसिलिटेट करे ग्लोबल ट्रेड को और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करे। सो इनका मकसद ये होता है कि जो कि कंट्रीज़ हैं इकोनॉमिकली पुअर हैं, फाइनेंशियली जिनकी इतनी वो कैपेसिटी नहीं है, तो उनको वो फैसिलिटेट करते हैं थ्रू देयर फाइनेंशियल असिस्टेंस, और फिर उनको वो बताते हैं कि आप इन प्रिंसिपल्स पे काम करें, इन सर्टेन पॉलिसीज़ को फॉलो करें, और फिर आप जो हैं स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। उनका आप सर्टेन एक टारगेट होता है, वो किसी भी कंट्री को बेल आउट देने से पहले वो देते हैं कि आप इसको अचीव करें, फिर आपको वो लोन दिया जाएगा। अब ओरिजिन इसकी भी लाइक IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, उसकी भी सेम ही एक जगह से है जिसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ये भी जुलाई 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में ये वजूद में आई न्यू हैम्पशायर US में। द कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन टू एड्रेस द नीड फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड टू रीबिल्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक। द IMF ऑफिशियली केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 27 December 1944 व्हेन इट्स आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट वर रेटिफाइड बाय 29 कंट्रीज। अब ब्रिटेन वुड में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। हालांकि अगर आप बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो ये ऑल आइडियाज़ या क्रेडिट जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को, जिसने कैनिसियन सिस्टम दिया और जिसके बुनियाद पे, क्योंकि जब ग्लोबल रिसेशन आ गया और US की इकोनॉमी भी फॉल आउट कर गई, दुनिया में इकोनॉमिकली फॉल आउट हो गया, तो फिर जॉन मेनार्ड कीन्स ने बताया कि जो आपके ग्लोबल इदारे हैं उनमें कुछ चेंजेस आनी चाहिए, कुछ ऐसे आप इदारे बने जो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी करें, एक वॉचडॉग का भी काम करें। सो इस पर मेरा एक लेक्चर भी है, अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेक्चर में। सो इसका मतलब वजूद जॉन मेनार्ड कीन्स के आइडियाज़ पे है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 जैसे एंड हुई तो ये ब्रिटेन वुड में 1944 में कॉन्फ्रेंस होती है, फिर ये आगे जाके 29 कंट्रीज़ हैं जो कि ये 27 December 1945 में इसको रेटिफाई करती हैं, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जो होता है वो रेटिफाई हो जाता है। अब ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव, प्रोमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रोमोट करना। इसका मकसद IMF का यही होता है कि कोऑपरेशन के थ्रू, एक्सचेंज रेट के थ्रू आप रेवेन्यू को रेगुलेट करें और जो मॉनेटरी सिस्टम है ऑटोमेटिक वो प्रमोट होगा। फैसिलिटेट बैलेंस्ड ग्रोथ, इनकी ये टारगेट होती है कि जो कंट्री है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो ग्रो करे, मतलब ये फैसिलिटेट करते हैं कि आप इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उनको, दोनों को आप साथ में लेके चलें। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, बेल आउट थ्रू द वर्ल्ड, अगर आप देखें तो इन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका बहुत से कंट्रीज है लेते हैं, एंड पाकिस्तान रिसेंटली गॉट $7 बिलियन फ्रॉम IMF, तो देते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब इसको प्रॉपरली अभी इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन कहाँ पे इसके बहुत सारे लूपोल्स भी हैं। प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इट वर्क्स टू प्रिवेंट कॉम्पिटेटिव डिवोल्यूशंस एंड टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट्स। ये जो डिवोल्यूशन का काम आ जाता है, जो कंट्री डिवोल्यू हो जाती है
उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। और जो एक्सचेंज रेट है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप डॉलर को कन्वर्ट तो कर सकें, अगर आपके पास डॉलर एक इंटरनेशनल इकोनॉमी है और आपके पास डॉलर है ही नहीं और आप कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं, तो जब आप वो चीज़ें लोगे तो आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो ऑलमोस्ट आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे एक हार्ड डिमांड हो जाएगी, एक टफ डिमांड हो जाएगी और चीज़ें जो हैं इन्फ्लेशन की तरफ चली जाएंगी। ऑफर पॉलिसी एडवाइस, द IMF प्रोवाइड्स पॉलिसी एडवाइस एंड इकोनॉमिक एनालिसिस टू हेल्प कंट्रीज डिजाइन साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब आपको पता है एज आई टोल्ड अर्लियर कि किसी भी कंट्री को बेल आउट देने से पहले या अपना पार्टनर बनाने के पहले कुछ एक डिज़ाइन देती है कि आप देखें इतना आप प्राइवेटाइज करें, इन इदारों को आप प्राइवेटाइज करें, इतनी आप टैक्स लगाएं, आप टैक्स कलेक्शन को इतना बनाएं, आप मनी लॉन्ड्रिंग पे कंट्रोल करें, आप करप्शन के अगेंस्ट में ये चीज़ें करें, तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। मकसद IMF का ये होता है कि वो किस तरह से मॉनेटरी सिस्टम को कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को वो बैलेंस करे, उसको प्रमोट करे, उसके एक्सचेंज रेट को ठीक करे, और उसके लिए वो अपनी एक पॉलिसी और एक ऑफर भी करती है एडवाइस कि आप इस इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। अचीवमेंट्स अगर देखें तो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, IMF हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टेबलाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, पर्टिकुलर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस सच एज लैटिन अमेरिकन डेब्ट क्राइसिस ऑफ 1980s एंड एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997, 1998 एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। अब ये हल्के हल्के रिसेशन आया 2008 में, वो तो ग्लोबल लेवल पे एक रिसेशन आया था, दुनिया की इकोनॉमी को एक थोड़ा सा ब्लॉकेज लगा था, तो उधर भी आके IMF ने कंट्रीज़ को सपोर्ट किया था। फिर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था 1997 और 1998 में, ड्यू टू वॉर्स और बहुत सारे कंट्रीज़ के इंटरनल टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से वहाँ पे भी उन्हें हेल्प आउट किया। फिर जो लैटिन अमेरिका है जो कि मतलब हालांकि वो इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, तो उनके भी जो इशूज़ हैं वो थ्रू आउट IMF रिजॉल्व हुए हैं, तो ये इनकी अचीवमेंट है IMF की, द फीदर इन देयर कैप। टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, द IMF हैज सक्सेसफुली प्रोवाइडेड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू मेंबर कंट्रीज, हेल्पिंग देम स्ट्रेंथनिंग देयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। ये उनकी कोशिश होती है, वो टेक्निकल असिस्टेंट भी देते हैं और उनको इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो सेल्फ सफिशेंट हो जाए और अपना खुद काम करें। सर्विलियंस एक चीज़ है IMF की, वो सर्विलियंस खुद करती हैं, किसी भी कंट्री को आप अगर वो लोन देते हैं या वैसे भी वो एक अपना सर्विलेंस का एक सिस्टम करते हैं, रेगुलर असेसमेंट करते हैं ग्लोबल और रीजनल इकोनॉमीज़ की, उसमें ट्रेंड्स वगैरह देखते हैं और फॉरकास्ट बताते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पे स्टैंड करती है या इकोनॉमी की कंडीशन होगी या मार्केट कहाँ जा रही है किस तरह से, मतलब एक रेगुलेटरी सिस्टम है, एक वॉच डॉग का इनका काम भी है। अब चैलेंजेस पे बात करेंगे। सबसे पहले क्रिटिसिज्म है कंडीशनैलिटी का, जो IMF कंडीशंस लगाती हैं उस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है IMF पे, क्योंकि जो भी ऑस्टेरिटी के मेजर्स हैं या इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं उसमें पर्टिकुलरली जो हिट होता है वो पुअर क्लास होता है, पुअर्स पे इतना इसका इम्प्लीकेशंस आ जाती है, रेमिफिकेशंस आ जाती है कि वो बियर नहीं कर सकता कि आप जब बेल आउट हो गया पाकिस्तान का से सपोज $7 बिलियन का, तो इसमें कितनी प्राइवेटाइजेशन होगी या इलेक्ट्रिसिटी पे या फ्यूल्स पे कितनी टैक्स लगेगी और उसका अल्टीमेटली एक वर्किंग क्लास और लोअर क्लास या मिडिल क्लास लोगों पे कितना इम्पेक्ट होगा, तो बहुत ही हार्ड होता है। रिप्रेजेंटेशन एंड गवर्नेंस, अब दूसरा बड़ा इन पे क्रिटिसिज्म या चैलेंज ये है कि जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है वो कहती हैं कि IMF में रिप्रेजेंटेशन का मसला है, वो इतनी पैरिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग में वो बड़े कंट्रीज बैठे हैं, बिग जायंट्स बैठे हैं, अब उनकी मर्जी होती है किसी को बेल आउट दें किसी को नहीं दें, अगर उनके हिसाब से कोई चलता है, अगर उनकी पॉलिसीज़ के US अमेरिकन और उसके अलावा जो इसराइल पॉलिसी है या कोई भी इस तरह की पॉलिसी अगर उन पे चलते हैं तो ठीक है, इट्स ओके फाइन, लेकिन अगर आप नहीं चलते तो देन मीन्स आप ठीक नहीं है, आप आपको वो बेल आउट नहीं मिलेगा, एक उनका एक कॉन् दे बिलीव लाइक दैट कि वहाँ पे भी एक हैजीमोनी है और वो हैजीमोनी मतलब किसी को अलाउ नहीं करती है और प्रेशराइज करके वो चीज़ें अपने हिसाब से मनवा के फिर वो बेल आउट देते हैं। रेलिवेंस इन मॉडर्न क्राइसिस, द IMF ट्रेडिशनल अप्रोचेज एंड टूल्स हैव फेस्ड स्क्रूटनी इन एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, इनकम इनइक्वालिटी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं ये तब के नहीं, अब जो 1945 में बनी हुई तब के प्रिंसिपल्स हैं IMF के, लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज है, तो जो कंट्रीज क्लाइमेट से मतलब डिस्ट्रॉय हो रही हैं, से सपोज
पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या और जैसे श्रीलंका है, वहाँ पे तो इतनी नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं कि उनकी इकोनॉमी मतलब खुद को मतलब उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट नहीं कर सकती, इकोनॉमी को कहाँ पे खड़ा करें, तो वो लोग कहाँ जाएं या जिनकी इतना लॉस हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू था जब 2022 में जब ये बारिशें हुई थी और वहाँ पे फिजियन प्राइम मिनिस्टर था, उसने ये बोला था कि जो पाकिस्तान में डिस्ट्रक्शन है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वो किसी दूसरी कंट्री की वजह से है। और वहाँ पर यह भी बात हुई कि आप उनके लोन्स वगैरह माफ़ कर दें, एक ये चीज़। दूसरा इनकम इनइक्वालिटी, अब वो ये भी इससे कनेक्टेड है कि वो इतने कंट्री सफिशेंस है ही नहीं कि ग्लोबल लेवल पे इतना कॉम्पीट कर सके। आप उनको इतना लीनियंसी दें, इतनी उन पर वो इंटरेस्ट रेट नहीं लगाएं कि वो सिर्फ वापस रिटर्न करने के लिए भी फिर आपसे ही लोन मांगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा चैलेंज जो है कंट्रीज़ के लिए, वो AI डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब उसको मीटअप करने के लिए ये सारी चीज़ें IMF को सामने रखनी होगी और इसके बुनियाद पे पॉलिसी बनानी होगी, और ये तीन चार जो न्यू एजेंडाज हैं उनको सामने रख के फिर वो काम करे तो वो बेटर होगा। रिफॉर्म्स में कोटा एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, IMF हैज अंडरटेकन सेवरल रिफॉर्म्स टू एड्रेस गवर्नेंस, नोटेबली द 2010 रिफॉर्म्स इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज बाय एडजस्टिंग कोटास एंड इन्हांसिंग द वॉइस ऑफ दीज कंट्रीज इन इंस्टीट्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। 2010 में उन्होंने ये रिफॉर्म्स तो ये लाए हैं, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई है इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए क्योंकि जितनी उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो अपने मसाइल बताएंगे कि हमारे साथ डोमेस्टिक फ्रंट पे या लो ग्राउंड लेवल पे क्या क्या मसाइल हैं। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन एंड ए प्रिकॉशनरी क्रेडिट लाइन, अब ये भी समझने की बात है। टू एड्रेस शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नीड्स एंड टू अवॉइड द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद IMF प्रोग्राम, द IMF इंट्रोड्यूस्ड दीज लाइन्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिस्टम विथ लेस स्ट्रिक्जेंस। अब ये भी एक चीज़ है कि शॉर्ट टर्म बैलेंस पेमेंट की और जो कि स्टिग्माज हैं IMF से एसोसिएटेड, उन पर उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, बट इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और आप इस तरह के फ्लेक्सिबल क्रेडिट बनाएं कि जितना वो अफोर्डेबल कर सके एक इकोनॉमी, मतलब ठीक है दे एग्जिस्ट ऑन पेपर वर्क, उसको एक मटेरियलाइज करके इन अ फंक्शनल वे और ज़्यादा बेहतर तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, अब रीज़न जो ये रिफॉर्म से वो एक तो इनका एजेंडा ही यही है, स्टार्टिंग के हम इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाएंगे कि जो भी है मतलब हम साथ ही पूरे ग्लोब को लेके जाएंगे, बट देयर इज़ ए स्टिल नीड कि आपकी ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे आप कोटा और गवर्नेंस के रिफॉर्म्स की बात करते हैं और फ्लेक्सिबल क्रेडिट की बात करते हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं और ये चीज़ें आप अपने बहस में भी लाते हैं, एजेंडे में भी लाते हैं, लेकिन दिस वुड वर्कआउट जब ये चीज़ें ऑन दी पेपर ग्राउंड क्लियर कट हो और वो जो कंट्रीज़ हैं जो आपसे लोन लेते हैं उनको इक्वली बात करने का मौका मिले और अपने वो इश्यूज़ और कंसर्न इजीली और हैप्पीली बता सकें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।